नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा पुलिस ने नागरिकों के एक क्वार्टर से 3 आरोपियों को 1 देसी कट्टा, 2 बाइक, 4 मोबाइल और 40,000 रुपए नकद समेत किया गिरफ्तार। शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटी आगजनी की घटना, 2 टैंकर, 1 प्लास्टिक गोदाम समेत टेम्पो में लगी आग। मांगो में ट्रेलर के धक्के से साइकिल सवार मजदूर की हुई मौत। और झारखंड में खाद्यान्न कारोबार ठप, जमशेदपुर में भी मंडी टैक्स के विरोध में बंद का दिखा असर। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पुलिस ने एग्रिको क्रॉस रोड नंबर 4 स्थित क्वार्टर नंबर L431 में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जिमको निवासी राकेश कुमार पोदार, नामदा बस्ती निवासी विनोद कुमार कामत और राहुल सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 बाइक, 4 मोबाइल और 40,000 रुपए नकद बरामद किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार ने बताया कि बीती रात थाना की मोटरसाइकिल गश्त कर रही थी, तभी उनकी नजर क्वार्टर पर पड़ी। क्वार्टर पर बाहर ताला लगा था जबकि अंदर लाइट जल रही थी। पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो अंदर राकेश और विनोद मौजूद थे। पूछताछ करने पर दोनों ने असंतोषजनक जवाब दिया, तभी राहुल भी वहां पहुंच गया। क्वार्टर की तलाशी लेने के बाद उसमें से देसी कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि अंशु चौहान ने हथियार और 50,000 रुपए रखने को दिया था। उक्त क्वार्टर पर अंशु चौहान ने कब्जा किया हुआ है, सभी वहां 1 साल से रह रहे हैं। पकड़ाए सभी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कल दिनांक 14/23 को सिद्धगोड़ा थाना के द्वारा मोटरसाइकिल दस्ता का अपराध को रोकथाम हेतु पेट्रोलिंग निकाला गया था, जिसमें करीब 8:30 बजे संध्या में क्रॉस रोड नंबर 4 एग्रीको एरिया के L431 क्वार्टर को देखा गया कि आगे से बंद है परंतु लाइट उससे आ रही है। जब इसका पीछे से देखा गया तो उसमें ऐसा लगा कि इसमें अंदर से कुछ व्यक्ति इसमें रह रहे हैं। क्वार्टर को खुलवाया गया तो देखा गया उसमें 2 व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना नाम बताया कि राकेश पोदार और विनोद कामत है। जब इनसे पूछताछ की गई क्वार्टर के संबंध में, एक तरफ बताया गया कि अंशु चौहान नाम का व्यक्ति ने इन्हें क्वार्टर दिया है। इस पर अंशु चौहान को पूछने पर टाल मटोल करने लगे। जब इनके रूम की तलाशी की गई तो इनके रूम में लगे बिस्तर के नीचे 1 देसी कट्टा, और जब इन लोग दोनों की तलाशी की गई तो इनके पास से 40,000 रुपये, 2,000 के 20 नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 मोबाइल बरामद भी हुए हैं। इसके बाद एक अन्य साथी इनके आए, राहुल सिंह, जिनके पास से 1 मोबाइल और 1 पल्सर बाइक और राकेश पोदार का 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। ये घर किसकी थी? ये घर बेसिकली देखा जाए तो ये टाटा स्टील की है, और ऐसा लगता है कि अवैध कब्जा किया गया है, जिसे अंशु चौहान के द्वारा कब्जा करके इन लोगों को पिछले 1 साल से दिया गया था। और ये पैसा इन्हें 50,000 रुपये अंशु चौहान नहीं दिया, जैसे उन्होंने बताया, जिन्होंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए थे और 40,000 रुपये बरामद किए थे। जो आपराधिक रिकॉर्ड है, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु 1 वर्ष से वही रहते और रात में ही वहाँ पर रुक रहे थे। इधर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे बर्मा वाइंस थाना अंतर्गत गणेश पूजा मैदान में रिपेयरिंग के लिए आए 2 टैंकरों में अचानक आग लगने से दोनों टैंकर जल गए। गनीमत रही कि समय रहते टाटा स्टील, जुस्को और झारखंड अग्निशमन विभाग के दमकल के गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैस टैंकर को यहां रिपेयरिंग के लिए लाया गया था। जैसे ही वेल्डर ने काम शुरू किया कि टैंकर ब्लास्ट कर गया और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते पास ही खड़े दूसरे टैंकर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची बर्मा मंज थाना पुलिस ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वैसे थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मची रही। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इसके पीछे टैंकर के चालक की लापरवाही है, जिनसे टैंकर में गैस होने की जानकारी गैरेज कर्मियों को नहीं दी थी। हम देखा वेल्डिंग से एक बैग आग निकला तो हम लोग दौड़ के बाहर आए, तो उसी पेट्रोल टैंकर में काम चल रहा था। पेट्रोल टैंकर से ही आग निकला, और दूसरे बगल में भी गाड़ी है वो तो उसका आग उससे लग गया। अच्छा, उसमें उसके वजह से जल गया। तो यहाँ गैरेज के लोग कहाँ है सब? ये तो भाग गए बंद करके, सब भाग गया यहाँ। हाँ। सर, क्या नाम है गैरेज वाला का? नितिन। थाना से इन्फॉर्म आया कि केरला समाज केरला स्कूल के जैसे बर्मा माइंस थाना के अंतर्गत टैंकर में आग लगी हुई है,
तुरंत हम लोग घटनास्थल के लिए निकले और हार्डली पाँच मिनट के अंदर ही हम लोग घटनास्थल के अंदर पहुँच गए। आए तो सबसे पहले देखे कि बहुत ज़्यादा आग की लपट है कि बाहर निकल रही थी और तुरंत हम लोग अपने टैंकर से 3 फॉर्म का गैलन यूज करते हुए आग को फुली कंट्रोल कर लिए। फुली कंट्रोल कर लेने के बाद प्लांट की गाड़ी आई। प्लांट की गाड़ी आने के बाद उन लोगों ने भी एक सपोर्ट किया आग को बुझाने में और टैंकर जो अभी खाली एक टैंकर पड़ा हुआ था उसको थोड़ा हीट था तो उसको कूलिंग करके ठंडा कर दिया। क्या टैंकर में कुछ था? क्या टैंकर में फिलहाल एक खाली है जो अभी। आग फिर कैसे लगी इसमें? आग में भी अभी जो इस टैंकर के बगल में एक चेचिस गाड़ी रखी है तो बगल में शायद देखने से अंदाजा लग रहा है कि कुछ कटिंग वटिंग का रड का काम चल रहा होगा और मे बी उसी से फ्लेम चिंगारी मिला होगा उसके बाद आग लगा। मानगो में ट्रेलर के धक्के से साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के NH-33 पर परीक्षा केंद्र वेयर हेल्थ के समीप सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई। राहगीरों ने बताया कि मजदूर राजू पात्रो साइकिल से सुबह करीब 8 बजे मजदूरी करने मानगो के रोड नंबर 7 जा रहा था, तभी पारडी की ओर से आ रही ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर पारडी की ओर से डिमना चौक की तरफ जा रहा था, मेल के घर जा रहा था। कितना बजे हुआ ये घटना? 8 बजे। क्या चीज में था? 8 बजे मेरा यहाँ आया था। अच्छा। थोड़ा देर के बाद गया, बोलता 9 बजने वाला है, हम जा रहा हूँ रेशन लाने के लिए, तो ये हड़बड़ी से गया जा रहा था। तो ये क्या चीज में थे? साइकिल में। अच्छा, ये कौन गाड़ी मारा इनको, क्या पता चला? टेलर मारा ना, पकड़ा गया टेलर ना। क्या पता चला? वही फोन किया था मेरा देवरानी ठो, तो बोली कि आओ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा ऐसा है, नाम लेके बोला उसका कि गाड़ी पूरा कुचल दिया है चेहरा ठो। तो फिर हम लोग आए, बोल रहे हम आ रहे हैं। कौन सा गाड़ी से हुआ? टेलर से। अच्छा, ड्राइवर पकड़ाया कि नहीं? ड्राइवर नहीं पकड़ाया है, ड्राइवर भाग गया है। गाड़ी पकड़ाया है? हाँ, गाड़ी पकड़ाया है, गाड़ी साइड में खड़ा किया है, पता नहीं वो भी नहीं पता कहाँ पे रखा। कहाँ जा रहा था ये? एक घर से निकला, मम्मी से मिला तो जा रहा था शांतनगर में। शांतनगर? हाँ, वो अलग से रूम लिया था वहीं पे रहे। क्या काम करता था? काम ऐसे ही सिविल काम कर रहा था। अच्छा, कौन है आपका? ये मेरा देवर है। क्या नाम था? राजू। राजू, पूरा नाम? राजू पात्रो। राजू पात्रो सिविल वगैरह में काम करता? हाँ, सिविल वगैरह में। कितना उम्र होगा लगभग? 22 साल। झारखंड में खाद्यान्न कारोबार ठप। जमशेदपुर में भी मंडी टैक्स के विरोध में बंद का जबरदस्त असर दिखा। झारखंड सरकार के मंडी टैक्स में 2% कर के अध्यादेश के विरोध में बुधवार को राज्यव्यापी बंदी बुलाई गई। इस बंदी का असर जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां व्यवसायी संगठनों के आह्वान पर शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सुबह से ही व्यवसायिक संगठनों के लोग बाजार बंद कराने निकले। कुछ व्यवसायियों ने स्वतः ही अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर बंदी का समर्थन किया। इतना ही नहीं, इस बंदी को दिहाड़ी दुकानदारों, ठेले और रेहड़ी वालों का भी समर्थन मिला। सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद समर्थकों ने साफ तौर पर सरकार से फरमान वापस लेने तक विरोध जारी रखने की बात कही। व्यवसायियों ने बताया कि इस अतिरिक्त कर के महंगाई बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ज्यादा परेशान हम लोग को, तो दुकानदार लोग को तो है ही है, आपको स्टाफ को भी पेमेंट देना पड़ेगा, प्लस जो डेली जो रिक्शा लेबर यहाँ जो काम करता है वो खाली है। अगर मान लीजिए ये बाजार तो एक दिन बंद है, बाजार समिति का आवक जावक तो पूरा बंद है, अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। वहाँ मान लीजिए 150-200 टेम्पू है, 300-400 लेबर है, 600-700 आदमी को डेली रोजगार मिलता है वहाँ पे। अगर वहाँ 4-5 दिन बंद अगर हो गया तो वो 500 आदमी का रोजगार का जिम्मेदार कौन होगा? प्लस ये जो 2% टैक्स है, ये आने वाले समय में सारे अनाज में 2% की महंगाई आएगी। दूसरी बात क्या है, पड़ोसी राज्यों में टैक्स नहीं होने के कारण सारा राशन वहाँ से आएगा, इससे क्या होगा, वहाँ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ का व्यापार घट जाएगा। 2% कर दिया, पहले 1% था, अभी 2% कर दिया गया, उससे व्यापारी लोग कहमाम करेंगे। GST लाने के पहले ये कहा गया था कि व्यापारी लोग को GST के बाद में उनको टैक्स नहीं देना, तो ये भी एक बात है, इसीलिए हम लोग इसके विरोध में। पड़ोसी राज्य में कहीं पे भी नहीं है? पड़ोसी राज्य में भी नहीं है। तो आज काम धाम मिला आप लोग को? नहीं मिला। तो फिर क्या करेंगे? कैसे कमाया, कैसे खाएं, कैसे जिए, रोज कमाने खाने वाला। जमशेदपुर पुलिस का एक और अमानवीय चेहरा सामने आया। बिरसा नगर पुलिस ने झामुमो नेता का पैर तोड़ा। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना पुलिस ने हुडको थीम पार्क के पास छापेमारी कर झामुमो के नेता कमल मुखी के साथ मारपीट की, ऐसा कमल मुखी का आरोप है। कमल मुखी ने बताया कि आधी रात के बाद बिरसा नगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार कई सिपाहियों के साथ आए और उसे पकड़ लिए और रॉड से पीट कर उसका पैर तोड़ दिया गया। कमल मुखी गंभीर रूप से घायल है, उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया।
कमलमुखी का कहना है कि काफी पहले उसका भाई से विवाद हुआ था, इसी मामले में पुलिस ने छापेमारी कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। कमलमुखी का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट करने के अलावा गाली गलौज भी किया, उसे जाति सूचक शब्द भी कहा। कमलमुखी का आरोप है कि जब उसने पुलिस को बताया कि उसका पैर टूट गया है, पुलिस कर्मियों ने उसे टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। बाद में कहा टीएमएच ले जाएंगे, लेकिन एमजीएम में छोड़कर पुलिसकर्मी चले गए। कमलमुखी झामुमो का मंडल सचिव है। कमलमुखी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। कमलमुखी ने आरोप लगाया कि बिरसा नगर इलाके में सरकारी जमीन बेचने का काम हो रहा है, बिरसा नगर पुलिस जमीन के दलालों को प्रश्रय दे रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए। कौन आपका? सर मेरा हस्बैंड है। कब मारा इसको? सर कल रात हुआ सर, 11:30 बजे। पुराना केस को मामला ये? नहीं सर, नहीं सर, 17 तारीख का केस है सर, ये वाला 17 तारीख में आपसी लोगों ने कुछ विवाद हुआ था सर, तो सर वो सर सुलझा गया सर, वो कमेटी के द्वारा हुआ, कमेटी के द्वारा सर, वो सर कॉम्प्रोमाइज भी हो चुका है, लेकिन इसको उठा के घर से लेके गया और घर में खूब मारा गया, पैर तोड़ के हॉस्पिटल लेके आया यहाँ पे। हम बोल रहे सर कि मेरे को अपने से एडमिट कराने दीजिए टाटा मोटर से, टीएमएच में, लेकिन नहीं कराने दिया सर। रात भर उसका कंडीशन बहुत खराब है और ब्लड बह ही रहा सर, टूट गया पूरा, टुकड़ा हो गया पूरा, अलग हो गया। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? सर हम यही मांग कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को सर इलाज मिले तुरंत तुरंत, और उसका जितना भी भरपाई है वो दे, और जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कौन मारा, उसका नाम पता है? वो सर पतला से मीनाल कुमार सर। कुछ मामला प्रशासन के द्वारा मारा गया है मेरे को, और जनवरी 17 तारीख को एक पूजा कमेटी, हम लोग भी पूजा कमेटी में है, आपसी विवाद हम लोग का हुआ था, उसमें बड़ा बहुत बड़ा सरगना बना दिया है कि बहुत बड़ा अपराध है, 353 उसमें डाल के भेजा हुआ है। एक सुकेश मुखी है एक भाई, उसके साथ हुआ तो उसको जेल भेज दिया, तो उसी का आधार पे हम लोग 4-5 आदमी हैं, हम लोग को भी मोस्ट वांटेड बनाने का ये करार, जो जमीन दलाली कर रहा है जोनी मसी वहाँ पे जितना आदमी, मारने का कारण क्या है? बस उस वही कारण है, आपका भी नाम है उसमें। हाँ, केस में। हाँ, आपको कब पकड़ा है? मेरे को घर में जाके कल मारा है, अभी सिविल में। पकड़ा है आपको कब है? मेरे को पकड़ा नहीं है, कल डायरेक्ट मेरा घर गया सिविल में अभी, और मेरा साथ डायरेक्ट हाथापाई किया। अरे सब देखिए, यहाँ कब आया? यहाँ रात को मेरे को 11:30-12 बजे लेकर आया। कौन? थाना प्रभारी प्रभात कुमार बिरसा नगर के। यहाँ छोड़ के चल गया? हाँ, यहाँ लापरवाही जैसे छोड़ दिए, 2 कांस्टेबल छोड़ दिया था, उन लोग भी बैठे रह गए, रात भर मेरा ऐसे ही पट्टी बांध के ना ठीक किया, कुछ कुछ नहीं, रात भर ब्लड गिरा। पैर का क्या स्थिति है? पैर तो दोनों पैर टूट गया भैया, हड्डी टूटा हुआ है, झूला हुआ का कोई, हाँ, अभी कुछ नहीं है किया। इधर उलीडी थाना स्थित टैंक रोड के समीप तालाब किनारे खड़े टेम्पो में लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ी घटना टली। थाना क्षेत्र के टैंक रोड स्थित तालाब किनारे खड़े डाला टेम्पो में अचानक आग लग गई। आसपास कई और गाड़ियां रखी थी, पास में ही ट्रांसफार्मर भी था। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और हिंदू जन जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने आरोप लगाया कि टाटा मोटर्स कंपनी के कर्मचारियों को लाने व ले जाने के लिए प्रतिनियुक्त सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रबंधन एक खास समुदाय विशेष के चालकों को खुश करने में लगी हुई है। वे आज स्थानीय निर्मल गेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान शर्मा ने एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि इसमें कंपनी के एक ऊंचे ओहदे पर बैठी महिला अधिकारी अपने चालकों द्वारा बकाया वेतन एडवांस के रूप में मांगने जाने पर एक समुदाय विशेष के चालकों को ही भुगतान करने का बात कर रही है। उनका यह भी आरोप है कि लखनऊ की इस कंपनी में उक्त महिला कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी उक्त विशेष समुदाय के हैं, इसलिए वे बहुसंख्यक समुदाय के चालकों की मांग अनसुना कर दे रही है। अमित ने अखबार में प्रकाशित अखबारों का हवाला देते हुए कहा कि गत दिनों लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय तथा कंपनी अधिकारियों के आवास में आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसमें करोड़ों रुपए नगद कई दस्तावेज मिले थे, जिससे आयकर चोरी की बात सामने आई थी। जबकि जमशेदपुर के बहुसंख्यक समुदाय के चालक अपना वेतन मांगने पर उन्हें सीधे नकार दिया जा रहा है। एक टाटा मोटर्स हम लोगों का कंपनी है जमशेदपुर क्षेत्र में, उसके कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए एक व्यवस्था खड़ी की गई है, और उस व्यवस्था को देखते सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी के लोग मन तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर कर्मचारियों को जो है हटा, हिंदू कर्मचारियों को हटा करके एक विशेष समुदाय के लोगों को वहाँ पर रखा जा रहा है, और जब हिंदू कर्मचारी अपना वेतन मांगते हैं तो उन लोगों को कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों को पैसा मिलेगा, हिंदुओं के लिए पैसा नहीं है, जो कि नियत समय पर टाटा मोटर्स इन लोगों को मानदेय दे देती है। और एग्रीको स्थित फुटबॉल मैदान प्रांगण में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां
जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एग्रीको स्थित फुटबॉल मैदान प्रांगण में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां जन्म उत्सव 19 फरवरी को मनाया जाएगा। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 135वां जन्म उत्सव उपलक्ष्य सत्संग विहार टाटा नगर का 26वां उद्बोधन स्मरण उत्सव है। इसमें पूरे कोल्हान से कोने कोने से लगभग 40,000 गुरु भाई सत्संगी के पहुंचने की संभावना है और इसमें देवघर से हमारे अच्छे अच्छे वक्ता जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के बारे में धर्मसभा में बताएंगे, श्री राजेश खंडेलवाल जी, श्री मधुप डॉक्टर मधुप कुमार जी और हमारे कलकत्ता से एक माँ आ रही है श्रीमती मीली श्रीवास्तव जी जो मालों को संबोधित करेंगी। ठाकुर जी के आइडियोलॉजी में मालों का क्या ये रोल है, कैसा रहना चाहिए जीवन, इसके बारे में बताएंगे। फिर डॉक्टर्स का कैंप लग रहा है जो हमारे बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर लोग जो गुरु भाई लोग हैं वो आएंगे, वो रोगी का डायग्नोसिस भी करेंगे और प्लस यथासंभव दवा भी प्रोवाइड करेंगे। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेन इंटरनेशनल स्कूल के आगे गोपीनाथपुर में बीती रात तकरीबन 2 बजे प्लास्टिक गोदाम में आगजनी की भयंकर घटना घटित हुई जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। देर रात हुई इस आगजनी की घटना से आसपास के क्षेत्र में रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा। आगजनी की घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को देने के बाद रात 2:30 बजे मौके पर पहुंची अग्निशमन दल की 4 दमकल गाड़ियों ने 5 घंटा मशक्कत कर भीषण लगी आग को बुझाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपीनाथपुर स्थित विश्वनाथ एंटरप्राइजेस में आगजनी की घटना घटित हुई। यहां प्लास्टिक का गोदाम और प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट निर्माण किया जाता है। यहां आग किस प्रकार लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि गोदाम से सटे पेड़ और झाड़ियों में भी आग फैलकर विकराल रूप धारण कर ली, जिससे पीछे घनी आबादी होने के चलते रात भर लोग डरे सहमे रहे। गोपीनाथपुर स्थित विश्वनाथ एंटरप्राइजेस प्लास्टिक फैक्ट्री में लगे भीषण आगजनी की घटना के बाद गोपीनाथपुर के ग्रामीणों द्वारा तत्परता दिखाते हुए कांडरा पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन दल ने आग बुझाने का भरकस प्रयास किया। बताया जाता है कि इस आगजनी की घटना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगे सभी मशीनरी उपकरण जलकर राख हो गए, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी नहीं है, शायद हो सकता है शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। हम लोग को 2:30 बजे रात में जानकारी हुआ, हम लोग जैसे आए तो देखे एकदम आग जो है पूरा आसमान की तरफ धधक रहा था, है ना। बड़ी मुश्किल से हम लोग सब मिल करके आग को काबू पा रहे हैं। अभी पूरा तो पूर्ण रूप से पाए नहीं है, लेकिन थोड़ा देर में आप बुझा लें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म। टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन JCB एक्सकवेटर, टावर क्रेन ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है, हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में संत निरंकारी संत समागम आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में आगामी 17 फरवरी को संत निरंकारी संत समागम आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये संत निरंकारी मिशन
का ये कार्यक्रम यहाँ रीगल ग्राउंड में होने जा रहा है, जहाँ संत निरंकारी मिशन के स्पिरिचुअल हेड सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, इनका आगमन जमशेदपुर में हो रहा है। और रीगल ग्राउंड में जो समागम का समय होगा वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक है। ये एक आध्यात्मिक समागम है, जहाँ ईश्वर परमात्मा के विषय में ये एक उसी से रिलेटेड ये सारे जितने भी विचार हैं, जो आशीर्वाद भी आएंगे, वो सारा इस निरंकार प्रभु परमात्मा के विषय में जानकारी दी जाती है। इसी से ये संबंधित मिशन है हमारा। उधर सरायकेला खरसवा जिले में सड़क सुरक्षा के बैठक में थाना प्रभारी व चालकों को दी गई फर्स्ट एड चिकित्सा प्रशिक्षण। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में SDPO संजय सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में चांडिल अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, ASI, पुलिस वाहन के चालक शामिल थे। वह इंस्पेक्टर पास्कल टोपो तथा चांडिल अनुमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शेखर हांसदा भी मौजूद थे। इस दौरान सड़क सुरक्षा में बेहतरी के लिए चर्चा की गई। SDPO संजय सिंह ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए राहगीरों और वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाने को कहा। इस अवसर पर सभी थाना प्रभारियों, ASI तथा चालकों को फर्स्ट एड चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर शेखर हांसदा द्वारा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें घायलों को तत्काल इलाज की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार मिलने पर उनकी जान बचने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसलिए घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अति शीघ्र करनी चाहिए। उसके बाद विलंब किए बिना नजदीकी अस्पताल अथवा क्लिनिक में ले जाएं। SDPO संजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। समय समय पर हेलमेट और सीट बेल्ट जांच की जा रही है, जिसके बावजूद दुर्घटनाओं में तत्काल घायलों को प्राथमिक इलाज मिले। इसके लिए थाना प्रभारियों व अन्य पुलिस कर्मियों को डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति घायलों की मदद कर सकते हैं, घायलों को अस्पताल ले जाए, मदद करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अब से सभी थानों के वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध होंगे, जिससे सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं के घायलों को पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार किया जाएगा। ये आज रोड सेफ्टी के तहत आज एक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो है थाना प्रभारी और थाना के ऑफिसर और थाना के ड्राइवर उनको दी गई। इसमें है कि सड़क में दुर्घटना होने पर उसको तुरंत जो है अस्पताल पहुंचाते हैं हम लोग, बट फर्स्ट एड अगर कुछ वहां पर ज़रूरत होने पर दिया जा सके, उसकी प्रशिक्षण जो है दिए हैं हमारे चांदिल अस्पताल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेखर सर हैं, इन्होंने सुबह को बताया, डॉक्टर साहब को हम लोग बुलाए थे। सड़क में जो दुर्घटनाएं रोज़ हो रही हैं उसके रोकने के बहुत उपाय किए जा रहे हैं, बट हो जाने के बाद भी अगर आदमी की जान बचाने में फर्स्ट एड कुछ कामयाब हो, कुछ हम लोगों की ओर से उसमें ये हो सके, तो पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार हम लोग ये ट्रेनिंग जो है सबों को करा रहे हैं, ताकि उस समय कोई झिझक ना हो, आदमी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को अगर मदद की जरूरत है तो वो करें। वही जमशेदपुर में इस साल महाशिवरात्रि है। बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर स्वर्णरेखा तट पर माँ टूसू और स्वर्णरेखा आरती का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। बुधवार को वे यहाँ पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह नागा साधुओं का शाही स्नान होगा, दिन में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा, उसके बाद शाम को गंगा आरती के तर्ज पर टूसू और मां स्वर्णरेखा आरती का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद रात में भोजपुरी के प्रख्यात लोक गायक भरत सिंह भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि स्वर्णरेखा नदी को पर्यावरण से मुक्त करने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है, साथ ही स्वर्णरेखा नदी के तट पर मीथेन गैस के प्रभाव से हो रहे लोगों की परेशानियों को दूर करने हेतु युद्ध स्तर पर तैयारियां किए जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने का आदेश दे दिया गया है। अगले 3-4 दिनों में मीथेन गैस की समस्या से क्षेत्र के लोगों को निदान दिला दिया जाएगा। वहीं उन्होंने शहर के कचरा निष्पादन को लेकर सरकार और जिला प्रशासन को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही खैर बनी प्लांट को चालू कराया जाएगा, उसे चालू होने में जो व्यवधान है उसे दूर करने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील भी कचरा प्लांट को लेकर गंभीर है। उस कचरे को के अंबार को हम लोग पार्क के रूप में तब्दील करेंगे और उसको पार्क के रूप में तब्दील करके वहाँ मीथेन गैस बहुत तेजी से लोगों को परेशान कर रही है और काफ़ी वहाँ पर धुआं वगैरह है, लोगों के जीवन के मौलिक
जीवन पर आघात हो रहा है, इसको लेकर मैं खुद गया था वहाँ कचरे के अंबार में, अभी काम चालू करवाया है और इसको दो चार दिन में ये काम को और तेज करते हुए हम लोग इसको भी जिस तरीके से एक्सलराई के बगल में पार्क बनाया है कचड़े पर और जुगसलाई में पार्क बनाया गया है उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी हम लोग इसमें मिट्टी वगैरह डाल के बड़ा पार्क बनाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुस्लिम समुदाय के 25 यात्रियों को अजमेर शरीफ के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बुधवार को 25 तीर्थ यात्रियों को अजमेर शरीफ के लिए रवाना करते हुए मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने कहा कि सरकार की यह योजना उन गरीबों की धार्मिक भावनाओं को तृप्त करने के लिए है जो आर्थिक अभाव से देश के पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन से वंचित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम संभव के तहत सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए राज्य सरकार की इस योजना की सराहना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का जियारत करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने यात्रियों से विश्व शांति के लिए ख्वाजा के दरबार में प्रार्थना करने की अपील की। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 25 दर्शनार्थी सरायकेला समाहरणालय से रांची के लिए रवाना हुए। यह टीम रांची से आगरा के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना होगी। अजमेर, आगरा और फतेहपुर सीकरी का दौरा कर 21 फरवरी को सरायकेला लौटेगी। सरायकेला जिला समाहरणालय से इनके रवानगी के दौरान जिला योजना पदाधिकारी फैजान सरवर, DSA सचिव मोहम्मद दिलदार, जिला खेल विभाग के रविंद्र प्रधान, रविंद्र पड़ीहाड़ी, किशो मिंज, भूटान स्वानशी सहित कई लोग उपस्थित थे। तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरायकेला जिले से कुल 25 लोगों को आगरा और अजमेर शरीफ की यात्रा के लिए आज भेजा जा रहा है और इस यात्रा से लोगों में एक तीर्थ दर्शन तो होगा ही, बुजुर्ग लोगों के लिए एक अच्छी योजना है जो कि अपने संसाधन से नहीं कर पाते होंगे तो उनके लिए सरकार द्वारा इसको पहल किया जा रहा है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। और सिद्धगोड़ा में पुलवामा के शहीद जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। सिद्धगोड़ा में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के जिला सचिव रीना तिवारी के नेतृत्व में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीति पंडा समेत कई महिला सदस्य उपस्थित रही। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा पुलिस ने एग्रीको के एक क्वार्टर से 3 आरोपियों को एक देसी कट्टा, 2 बाइक, 4 मोबाइल और 40,000 रुपए नगद समेत किया गिरफ्तार। शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटी आगजनी की घटना, 2 टैंकर, 1 प्लास्टिक गोदाम समेत टेम्पो में लगी आग। मानगो में ट्रेलर के धक्के से साइकिल सवार मजदूर की हुई मौत। और झारखंड में खाद्यान्न कारोबार ठप, जमशेदपुर में भी मंडी टैक्स के विरोध में बंद का दिखा असर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।